टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन पर नकेल की बनी रणनीति। पीएम मोदी ने कहा क्वाड का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान। तो बाइडेन ने की मोदी की तारीफ, उठाया रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा। राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव का घमासान, आज से शुरू होगा नामांकन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे नामांकन। कांग्रेस और भाजपा जुटी रणनीति में। पीसीसी दफ्तर में आज भी लगेगा मंत्री दरबार। मंत्री लालचंद कटारिया और जाहिदा खान करेंगे जनसुनवाई। पार्टी पदाधिकारी लाखन सिंह मीना, जसवंत गुर्जर, देशराज मीना करेंगे सहयोग। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कल जिला कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। मुस्लिम पक्ष ने 1936 के दीन मोहम्मद केस का दिया हवाला। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने और कसा शिकंजा। झारखंड और बिहार के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मिल सकते हैं बड़े सुराग। प्रदेश से देश तक रफ्तार का कहर। कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कर्नाटक के हुबली में 7 लोगों की जान गई। तो यूपी के बुलंदशहर में हादसे में 5 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। मौसम खुलने से केदारनाथ यात्रा फिर शुरू। तेज बारिश और घना कोहरे के कारण रोकनी पड़ी थी यात्रा। फंसे थे करीब 10,000 यात्री। पश्चिमी विक्षोभ के असर ने नौतपा से पहले मौसम में घोली ठंडक। अंधड़ और बारिश से 2 से 11 डिग्री तक गिरा तापमान। गर्मी से मिली राहत, आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट।